तो कभी कभी व्यक्तिगत आचरण से लोगों की भावनाओं को बदलने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, ऐसा होता नहीं है। एक प्रस्ताव हमारे सामने इसी तरह का 33% का प्रस्ताव विभाग मेरे सामने रखा था, मैंने उससे ऊपर जाकर मैंने प्रदेश के अंदर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है। स्पष्ट रूप से ये एक सामाजिक रूप से इस लड़ाई को लगातार वर्षों से लड़ा जा रहा है। हम लोग संगठन के रूप से भी हमेशा ऐसे छुटे हुए सामाजिक जो वर्ग हैं जिन्हें पूर्व में आज़ादी से पहले जिस कैटेगरी में सुनिश्चित किया गया था उसी कैटेगरी में स्थापित होने की बात समाज के अंदर चल रहा है, उसका चिंतन चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है। ये कई दौर का आंदोलन पहले भी हुआ है और एक कल से भी एक आंदोलन चल रहा है। समाज के अगुवा, समाज के लीडर, समाज के लोग एकत्रित होकर एक भावना कल वह एक आंदोलन में उतर रही है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए। आप लोग का नैतिक समर्थन रहेगा उस आंदोलन में? नहीं, केवल नैतिक नहीं है ये बात, मैं अपने प्लेटफॉर्म, सामाजिक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भी मैं चर्चा हमेशा करता रहा हूँ और इसको लेकर हम लोग चाहे जिस प्लेटफॉर्म में बात हो हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि सामाजिक न्याय की बात करें तो कोई समाज को पीछे छोड़कर या उसको उसके हक से दूर रखकर सामाजिक न्याय की कल्पना किसी प्रदेश में पूरा नहीं हो सकता है। ये केवल हमारे स्टेट का नहीं या बंगाल के भी सीमावर्ती एरिया में और उड़ीसा के भी सीमावर्ती एरिया के इस समाज का एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसको अलग अलग रूप से अलग अलग समय समय पर लोग सरकार को और सरकार के जो भी देखने वाले हैं या इसको हल करने वाले संस्थाओं के साथ इनका संबंध बना रहता है। हमारे संगठन के प्रतिनिधि भी, व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी इस विषय में हमेशा संवाद करते आए हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। कभी कभी राजनीति करने वालों को, लोगों को लगता है कि इस तरह से बातों करके उनकी राजनीति सज जाएगी या लोकप्रियता के कटघरे में तुरंत जम कर जाएंगे। मुझे कभी कभी बीच से ये फीलिंग्स आता है, चूंकि जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे रूल्स को पालन कर रहे थे, वो मंदिर पूजन से लेकर सारे सनातन के सारे क्रियाकलाप में खुद को सामने कर दिए थे, वहाँ सिद्ध करना था कि मैं सबसे बड़ा सनातन हूँ, उधर से निकल गए तो ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैं इसको नहीं मानता। तो कभी कभी व्यक्तिगत आचरण से लोगों की भावनाओं को बदलने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, ऐसा होता नहीं है। लोगों की जो भावना है वो अपने अपने जगह पर स्थिर है और इसको आज़ादी से रहने देना चाहिए। राजनीति का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, उस प्लेटफॉर्म में जब आप जाएंगे तो उसकी जवाबदेही बहुत है, उनको बात करनी चाहिए जिस जगह से वो आते हैं, जहाँ से वो लोग नेतृत्व करते हैं, वहाँ के लोगों के वास्तव जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को परिवर्तन करने का नेतृत्व उन्हें दिया गया है। इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे तो मुझे लगता है राजनीतिक प्लेटफॉर्म और उनकी प्रतिज्ञा को ज़्यादा बल मिलेगा। इस पक्ष का रहा हूँ, आपने देखा होगा जब पंचायत चुनाव की बारी आई, जब मेरे नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत नेतृत्व देने की बारी आई तो हमने बढ़कर उसमें निर्णय लिया था। एक प्रस्ताव हमारे सामने इसी तरह का 33% का प्रस्ताव विभाग मेरे सामने रखा था, मैंने उससे ऊपर जाकर मैंने प्रदेश के अंदर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है। इसी का परिणाम देखो कि आज के दिन में पंच पंचायत, जिला परिषद, सब जगह पर महिला नेतृत्व आपको दिखाई दे रहा है। ये एक नेतृत्व उभर कर सामने आया है, भागीदारी एक उभर के आई है। इस तरह से अगर लोकसभा और विधानसभा में भी का प्रस्ताव आया है, ये स्वागत योग्य है, पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर में होगा। जिन्होंने अपने राज्य के अपने सामाजिक संगठन को एकत्रित करते हुए बेहतर नेतृत्व देते हुए एक लंबे जो सामाजिक इनका डिमांड था उसको समाज के साथ मिलकर नेतृत्व देकर उसे सफलतापूर्वक लड़ाई को जीतकर अपने समाज को हक दिलाया, आज ये नेतृत्व सामाजिक चेतना से ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना में के साथ एक राजनीतिक भागीदारी सहभागीदारी के लिए सामने आए। उमेश जी युवाध्यक्ष के रूप में सुमार्थ हैं, अब सामाजिक से राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य के राजनीतिक दायित्व में सहभागी बनने के लिए आज संगठन में अपने साथियों के साथ योगदान दिया है। मैं इनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ
कि राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अपने नेतृत्व से इस राज्य के आवाम और ऐसे ही दबे कुचले लोगों का भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें एकत्रित करने में अपना योगदान देंगे और सभी लोगों को, खास से आम लोगों तक में एक राजनीतिक वैचारिक जो लड़ाई भाजपा पार्टी का है उसका नेतृत्व करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, इनके पूरे ग्रुप, इनके पूरे साथियों के साथ है। मैं धन्यवाद देता हूं इनको। कल से कुड़मी